कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्रों में हाथियों के उत्पात से रबी की फसल से किसानों का मोह भंग। हाथियों के उत्पात के चलते जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में रबी की फसल की बुआई का रकबा 40% कम हो गया है। बीते वर्ष ब्लॉक में रबी फसल का रकबा 12,145 हेक्टेयर था, इस बार वह कम होकर 10,323 हेक्टेयर हो गया है। सबसे अधिक प्रभावित पसान और केंद्रीय रेंज है। दोनों ही रेंज में हाथियों के विचरण से गेहूं और चना की बुआई बंद हो गई है। यहां पिछले 1.5 माह से 45 हाथी डटे हैं। इस दौरान क्षेत्र के 147 किसानों के 1,500 हेक्टेयर से भी अधिक फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक को दलहन और तिलहन की खेती के लिए जाना जाता है। हाथियों ने सबसे अधिक अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों खेतों से धान की फसल कट चुकी है। जंगल में चारा नहीं होने से हाथी बस्ती में घुसकर बाड़ी में लगी सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथी के उत्पात से प्रभावित ग्रामीण नाराज हैं, खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साग सब्जी का खेती बाड़ी करते हैं, हाँ। आज 3-4-5 साल से लगातार 40-50-30 का झुंड हाथी आया के, हाँ। और पूरा फसल नुकसान कर दे रहे हैं, खा पी दे रहे हैं। और दूसरा व्यवसाय है नहीं हमारे पास, यही खेती बाड़ी से अपने बाल बच्चा पोस रहे हैं। और गेहूं का भी फसल है लगाए हैं, उसको भी पूरा खा पी के साफ कर देते हैं। हम इससे बहुत परेशान रहते हैं कि हाथी की खवाई से हमारा परिवार किस हिसाब से जिएंगे। इसको भाई कम से कम सरकार देखने के लिए कोशिश करे, बाल बच्चा को कैसे जिए। हम झुंड के झुंड आए कि फसल पूरा नुकसान कर दे रहे हैं। उस समय जोड़ी मकई गन्ना रहा, पूरा भादो समय पूरा खा के उसको भी हमारा फसल नुकसान कर दिए। और जांच भी की करवाए, आए थे फारिसगार्ड डिप्टी रेंजर और लिख पढ़ के खसरा नक्शा भी मांगे, हम उसको दिए, लेकिन आज तक उसका कोई पता सुनाई नहीं चल रहा है हमारा। तो इस हिसाब से कैसे गाड़ी चलेगा, कैसे बाल बच्चे जिएंगे। स्थिति तो नीचे की ओर डेली जा रहा है पर डे। कितनों खर्चा, कितनों पूंजी लगा लगा कमा रहे हैं, लेकिन सब डुबानी में चल जा रहा है। पर हाथी प्रभावित क्षेत्र है करीबन 4 वर्ष प्रभावित क्षेत्र। अच्छा। फसल बोहन कर 4 एकड़ में गेहूं के बोहन कर दिया, हाँ। बहुत दहशत में रखन कर दिया है ना, हाँ। रात बिकाल सूतन नहीं, हाँ। तब पूरे फसल नुकसान होते, हाथी मनाते हैं तब पूरा खा देते हैं, खून देते हैं। कितना वही अभी 30-35 के बीच में हाथी में विचरण रहते हैं रात में। अच्छा। फसल मन के नुकसान होते रोन देते हैं, खून देते हैं पूरा। अच्छा अच्छा। वन विभाग केवल मुआवजा प्रदान कर औपचारिकता का निर्वहन कर रहा है। हाथियों की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए फिलहाल कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रही है। केंदई रेंज के परिक्षेत्र सहायक महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि पिछले 5 सालों से हाथी का उत्पात जारी है। हाथियों के खेती बाड़ी और घर नुकसानी का वर्तमान में 250 मुआवजा प्रकरण बने हैं, जिसमें कुछ ही किसानों का मुआवजा राशि उनके खातों में आना बचा है। 2 दंतैल हाथी अलग अलग बीट में मौजूद है, रात में विचरण कर हानि पहुँचा रहे हैं। उनके कार्यकाल में अब तक 12 लोगों की जान हाथी ले चुके हैं। ग्रामीणों और हाथी मित्र दल की मदद से हाथियों की ट्रैकिंग कर जानमाल को हानि से बचाने की कवायद की जा रही है। अब मैं यहाँ 2018 से पदस्थ हूँ, तो 2018 से लगातार पसान रेंज केंदई रेंज में लगातार विचरण इसका जारी रहता है और अधिकांशतः नुकसान फसल का बहुतायत में होता है, मकान तोड़ना और जन हानि 10-12 जन हानि हो गया है मेरे रहते तक। फसल नुकसानी 250 प्रकरण हम लोग भेज चुके, जो स्वीकृत होके किसानों के खाते में चला भी गया है और शेष 10-20 या 25 प्रकरण बाकी है जो अभी इसी माह में आने की संभावना है। अभी 1 दंतैल हाथी कोरबी, जो स्थानीय नाम में उड़ार बह रहा है कोरबी खुर्रू पर, वहाँ अभी दिन में विश्राम रत में है और रात में इधर उधर जो घूमते रहता है, जिसके लिए हम लोग ट्रेकिंग करते रहते हैं कि जन हानि मत हो। और 1 दंतैल हाथी 713 डंगबोरा पहाड़ में है। अब साधन पर्याप्त साधन अब जाते हैं गांव के जो ग्रामीणों को भी रखते हैं साथ में, और मसाल है, टार्च है और ये जले मोबिल से मसाल जलाकर उसको भगाया जाता है
जिसमें ग्रामीणों द्वारा भी भरपूर सहयोग दिया जाता है। पर्याप्त बल उपलब्ध हमारे पूरा स्टाफ हैं और हाथी मित्र दल भी आते हैं बुलाने पर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए सुशील जायसवाल की रिपोर्ट।